नमस्कार, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से और करनाल के मॉडल टाउन रिहायशी इलाके में देख सकते हैं। ईंटों में एक सांप दिखता है, लेबर ईंट उठा रही थी तो उन्हें सांप दिखाई देता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल ज़रूर बन जाता है। किस तरह से देख सकते हैं तमाम जो यहाँ के घर हैं वो किस तरह से लोग बाहर निकल कर आ जाते हैं। अब इस सांप को पकड़ने के लिए ननकी स्नेक मैन को बुलाया गया है, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो स्नेक मैन ननकी हैं वो ज़रूर इस सांप को पकड़ने के लिए आए हुए हैं। हालांकि लेबर ने जब ईंट उठाई तो उस ईंट के नीचे बैठा हुआ वो सांप नज़र आता है, भूरे रंग का सांप बताया जा रहा है। अब किस प्रजाति का है वो पकड़ने के बाद पता लगेगा। फ़िलहाल आप देखिए ननकी स्नेक मैन मौके पर ज़रूर पहुंच चुके हैं, और उस स्नेक को रेस्क्यू करने का काम, ये देखिए आसपास के जो लोग हैं वो ज़रूर घरों से बाहर आ जाते हैं। ये देख सकते हैं तस्वीरों में आप सभी से, देखिए किस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है, बच्चा है सांप का शायद इस तरह से बताते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, ये लाइव तस्वीरें मॉडल टाउन से हैं, मॉडल टाउन की रिहायशी इलाके में आप देख सकते हैं सांप आ जाता है। हालांकि पानी काफ़ी जगह भरा हुआ है, पानी भरने की वजह से देख सकते हैं ये जीव जो हैं वो कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं ये छोटा सा बच्चा है, उसे पकड़ने का प्रयास ननकी स्नेक मैन द्वारा किया जा रहा है। देखिए शायद ननकी स्नेक मैन के हाथ लग चुका है, ये देख पा रहे हैं तस्वीरों में लाइव, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है। लकी लेबर ज़रूर डरी हुई थी, जो ईंटें उठा रही थी वो लेबर, ये देखिए किस तरह से ये सांप है, लकी चोटिल ज़रूर लग रहा है, चोटिल है। ये देखिए किस तरह से तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप सभी से निवेदन करूँगा। कौन सा सांप है ननकी जी? कॉमन क्रेट है, काटता है जी, बहुत जहरीला होता है। अच्छा, वो काफ़ी जहरीला होता है, कॉमन क्रेट सबसे जहरीला सांप होता है। हालांकि रात के समय में काटता है, ये रात को निकलता है। क्या खाता है जी? छिपकली खाता है। कॉमन क्रेट, काट लिया तो बचेगा नहीं। ये देखिए किस तरह से काटता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए किस तरह से काटता हुआ नजर आ रहा होगा आपको तस्वीरों में। हालांकि ननकी स्नेक मैन द्वारा इसे पकड़ लिया गया है, कॉमन क्रेट ये सांप है और इसे पकड़ लिया जाता है और इसे अब यहाँ से पकड़ कर लेकर जाया जाएगा, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप सभी से निवेदन भी करूँगा, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए किस तरह से ननकी स्नेक मैन अब इसे अपने हाथ में, साइज होता है इससे बड़ा सांप नहीं होता, ये देखो कांजली छोड़ रहा है, ऐसा है ये कॉमन क्रेट है सबसे। इसके देखो इंसान एक क्रेट क्रेट के इंसान है, कट कट के इसका काटा बचना भी नहीं है, आधा घंटे ये कोबरा है, ज्यादा जहरीला सांप होता है। अच्छा, इधर शुक्र करो इन मजदूरों का हाथ नहीं पड़े तो काट जाता है, तो बहुत मुश्किल से जाता है, ये आधा एक घंटा लेता है। इस टाइम कांजली पे है तो रात के समय में ये रात को ही निकलता है और ये छिपकली और गिरीड़ खाता है, ये बहुत ज़्यादा जहरीला सांप होता है। तो यही साइज रहता है इसका, साइज इसका यही रहता है, दो प्रजाति को होता है, एक काले रंग भी होता है, काला इससे थोड़ा हाथ से बड़ा होता है, लेकिन इसका साइज यही रहता है, ये फुल साइज है। इस टाइम कांजली देखो, कांजली छोड़ रहा है, ये कांजली वेंटो में आया, ये मजदूर काम कर रहे थे, तो मतलब काफ़ी पुराना सांप है, यहाँ पुराना सांप है ये। उम्र कितनी होती है इसका? हद है 2 या 3 साल का साइज इतना यही होता है, ऐसे इससे बड़ा सांप नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। ये तो शुक्र के बच गए आदमी, इन्होंने कॉल किया, मैं आधे घंटे में तुरंत पहुँच गया, इसमें कांजली छोड़ रहे, देखो कॉमन क्रेट ये सांप है, किस तरह से देख सकते हैं अपनी कांचली जो है वो छोड़ता हुआ, ये बहुत ज्यादा फुर्तीला था, बहुत ज्यादा एकदम ही वार करता है ये, तो बहुत ज्यादा, तो कोबरे से ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा, ये देखो कांजली छोड़ रहा है, देखो ये स्टम कांजली भी है, तो आपको नहीं काटता जैसे आपने बिल्कुल पास से पकड़ा हुआ है? देखो हमें तो मालिक की बख्शीश है, इसलिए हमें तो क्या काटेगा ये, लेकिन अनजान आदमी इस पर ना हाथ पाए, जिनको उसके बारे में पता है वही साफ पे हाथ पाए। आप भैया आप ईंट उठा रहे थे, क्या हुआ था, कैसे दिखा? मैं एक्चुअल में ईंटें उठा रहा था, तो ईंट के जो बीच का खाना पड़ा रहता है ना उसमें था वो। अच्छा। तो अचानक मैंने ईंट उठाई तो वो सट से ऐसे भागा, तो मैं तो डर गया, फिर ये कल का हादसा था, तो आज मैंने फिर उठाया, मैं सोचा कि चला गया होगा ये, फिर लेकिन आज ये दोबारा दो बार मेरे को मिला, तो मैंने जो भाई यहाँ के मालिक हैं उनसे बोला कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने मतलब स्नेक मैन को बुलाया होगा,
तो आके वो निकाले। तो सबसे जहरीला सांप निकला है? हाँ सर निकला ही है, जहरीला ही है। ये तो किस्मत अच्छी रही आपको काटा नहीं तो? हाँ सर दो बार मिला मेरे को, कल भी मिला और आज भी मिला। ये तो किस्मत अच्छी थी आपकी। हाँ आप ये देख सकते हैं जो लेबर यहाँ पर काम कर रही थी, ये ईंटों के नीचे ये कॉमन क्रेट सांप आप देख पा रहे हैं किस तरह से बहुत जहरीला होता है और ननकी स्नेक मैन मौके पर पहुंच जाते हैं। ननकी जी क्या कहना चाहोगे, लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? घर के आगे जो ईंटे कबाड़ा कूड़ा रख रखे हैं इन दिनों ना रखें, ये सांपों का सीजन है और खाम का ये काट जाता तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपके हाथों से भी छूटने का प्रयास करें? हाँ दो तीन बार, ये तो बहुत फास्ट होता है, देखो अभी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ये तो काटने का सीधा वायर जाती है जी। ये कॉमन ग्रेट सांप है, कोबरा से भी खतरनाक? ये कोबरा से ज़्यादा खतरनाक है, इसका साइज यही होता है एकदम वार करता है, चूंटी की तरह काटता है ये, चूहे ने काट लियो। इसका आधा घंटा में बचना बहुत मुश्किल है। तो रात को ही निकलता है? ये रात को ही निकलता है इनका, इन्होंने कल भी देखा लेकिन रात को निकलता है ये। तो ऐसा भी हो सकता है घर में घुस जाए सोते हुए? हाँ वो तो ये सोते हुए काट के तो रात घर में ही घुसता है। और हाँ ये देखो कांजली का कांजली छोड़ रहा है ये, तो इसको इन्होंने फोन मुझे फोन किया, मैं आधे घंटे में तुरंत पहुँच गया। ननकी जी आपका नंबर जो किसी को चाहिए हो, किसी ने बुलाना हो? मेरा 98966 3551 9896635551 पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास इस तरह से या घर के अंदर इस तरह से सांप दिखे तो आप उन्हें छेड़े मत, तुरंत स्नेक मैन ननकी को बुला सकते हैं। आप करनाल के आसपास जो गांव हैं वहां पर भी इन्हें बुला सकते हैं। देखिए सबसे खतरनाक सांप जो कॉमन क्रेट जिसका नाम बताया जा रहा है, ये सांप जो है यहाँ पर लेबर द्वारा देखा जाता है। ये देखिए निशान आप देख लीजिए, इसके ऊपर जो निशान है वो आप पहचाने कट कट के इसके निशान है। ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, इस टाइम कांजली भी छोड़ रहा है ये, लेकिन इसको ना हाथ पाएँ, इससे बचें, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ये। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं बच्चे ज़रूर यहाँ पर खेलते हैं, किस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ये बच्चे भी यहाँ पर खेलते ज़रूर हैं गलियों में, पर देख सकते हैं इन्हें नहीं मालूम था कि इतना ये खतरनाक हो सकता है, इतना खतरनाक ये सांप हो सकता है। आप सभी से निवेदन इस तरह से घरों के बाहर जो सामान है फालतू का वो ना रखें। देखिए किस तरह से ईंटों के ढेर में ये सांप जो है वो पड़ा हुआ था। और फिलहाल ये देखिए रात के समय में ये ज़रूर हमला बोलता है, सोए हुए व्यक्ति पर हमला बोलता है और इसका काटा हुआ इंसान जो है वो नहीं बचता। फिर से एक बार ननकी जी से बातचीत कर लेते हैं। ननकी जी अभी से कहां पर छोड़ा जाएगा, तो काफ़ी जहरीला है? इसको यहां से जंगल में छोड़ देंगे, यहां नहीं छोड़ेंगे इसको, जंगल में छोड़ देंगे। हम जो भी सांप पकड़ते हैं जंगल में रेस्क्यू कर देते हैं, सुरक्षित छोड़ते हैं। हाँ सुरक्षित छोड़ते हैं, बच्चे की तरह छोड़ना है इनको, क्यों यहीं छोड़ दिया फिर यहीं आ जाएगा, इसलिए दूर जंगल में जाकर छोड़ देते हैं इसे, इसे बचाना है। ये तो खामखा अगर काट जाता तो बहुत नुकसान दे जाता। इन्होंने फ़ोन किया, चलो इनकी मेहरबानी, तो मैं इनको तो पता ही नहीं था इतना, इनको पता नहीं था, इन्होंने कहा कि भाई आप ये देख सकते हैं कुछ लोग हैं। बाबूजी क्या काफ़ी जहरीला है जी सांप? काफ़ी जहरीला है और भाई इसके काटे आदमी बचता नहीं है। हाँ चाहे जितना कर ले। काम कर रहे थे आप यहाँ? हाँ ये हमारा ही काम हो रहा है, ये मजदूर लगा रखा है। आप ही के घर काम हो रहा है? हाँ तो बचाव हो गया, मजदूर को भी काट सकता था? मजबूर है तो देखा है इसको, ईंटा उठाया तो उसी में था। हाँ आप ये देखिए ईंटा उठाए, इस ईंटों में ये कॉमन क्रेट सांप था जिसकी लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप सभी से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।